हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं बहुत टाइम से ब्लॉग्स नहीं बना रही थी, उसके पीछे रीज़न था जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सब मेरे से पूछ रहे थे कि इतनी टाइम से ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, कहाँ बिज़ी हो गई हो। तो फाइनली आज मुझे वक्त मिला है और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं मेरी शादी में एंगेजमेंट में बिज़ी हो गई थी और उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ अपनी एंगेजमेंट की वीडियो शेयर करूँ और आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सब मेरा इंगेजमेंट में मेरी ससुराल से आया हुआ सामान है, तो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ क्या क्या मेरा सामान ससुराल से आया था। सो देख सकते हैं आप लोग, हर एक चीज़ को मैं वन बाई वन आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हील्स, और ये बहुत ही खूबसूरत हील्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद आई थी। हालांकि मैं हील्स पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है और हील्स पहनकर मैं और ज़्यादा लंबी हो जाती हूँ। ये दूसरे सैंडल हैं और इनमें भी हील्स हैं, बट मैं पहन नहीं पाती हूँ, ये मुझे अफसोस रहता है। और ये आप देख सकते हैं मैचिंग की चूड़ियाँ हैं डार्क ग्रीन कलर की, और साथ में ये लहंगे की चूड़ियाँ हैं। पिंक कलर का मेरा लहंगा है और ये है मेरा पर्स मैचिंग का, एम्ब्रॉयडरी से मैच करके लाया गया है। मेरे ससुराल से जो सामान आया था मेरे को मोस्टली पसंद ही आ गया था। ये मेरी मेकअप किट है, मेरे पास इससे पहले इतना ज़्यादा मेकअप नहीं था, मैं बहुत खुश थी मेकअप देखकर। और ये मेरी वॉच है जो मेरे को अच्छी लगी थी। अब आते हैं हम स्वेटर की तरफ। ये लाइट पिंक कलर का स्वेटर है मेरा, यू नो गाइस आई लव पिंक कलर, तो मुझे ये कलर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालाँकि कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट था। मैंने मेरी लाइफ में पहले कभी शॉल पहनी नहीं थी और ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट शॉल है जो मेरी ससुराल से आई है। कश्मीरी शॉल है ये, और सब लोग बोल रहे थे इसका फैब्रिक वगैरह अच्छा है और कलर तो खैर मेरे को पसंद आ ही गया था। और मेरी मम्मा बोल रही थी कि कश्मीरी शॉल अच्छी होती हैं क्योंकि वो तो पहनती हैं, बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अब आते हैं हम सूट्स के कलेक्शन की तरफ, और ये है डार्क ग्रीन कलर का सूट जो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका काफ़ी हैवी वर्क है, इससे पहले मैंने इतने ज़्यादा हैवी कपड़े पहने नहीं थे, बट सब बोल रहे थे जो गेस्ट हमारे यहाँ आए थे कि बहुत ही अच्छा सारा सामान आया है, तो मैंने कहा कि अच्छा ही होगा, सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइनिंग का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं था। ये साथ में इसके फ्लैपर है जो बहुत हैवी वर्क था, मैंने फ्लैपर भी कभी नहीं पहना। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ पहना भी है नहीं पहना पहले। अब आते हैं हम सेकंड सूट की तरफ, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था। ये आप देख सकते हैं इस पर सितारों का वर्क हो रहा है, और साथ में है इसके शलवार। आप लहंगे का अंदाज़ लगा सकते हैं, माशाल्लाह से मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है तो उससे आपको पता लग जाएगा। और ये आप देखें कुर्ती, इस पर लाइट वर्क हो रहा है सितारों का जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ना ये सूट बहुत पसंद आया था मेरे को। और अब आते हैं हम अनदर सूट पर। ये कलर बहुत न्यू था मेरे लिए, इस तरह के डार्क कलर्स में पहले पहनती नहीं थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा है, इस तरह के कलर्स भी पहनने चाहिए, बट मैं पहले कभी पहनती नहीं थी, लाइट शेड्स ही पहनती थी और वही मुझ पर अच्छे भी लगते थे। अब देखते हैं न्यू लुक में कैसा लगेगा कलर इस तरह के पहनूंगी, और ये भी एक डार्क कलर ही है। इस सूट की काफ़ी तारीफ़ की सब ने क्योंकि इस पर जो वर्क हो रहा था बहुत ही ज़्यादा हैवी भी था और ख़ूबसूरत भी था। इसके दुपट्टे पर सिंपल सी लेस लगी हुई है और दुपट्टा एकदम प्लेन है। ये आप इसका बॉटम देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ जिस पर दबके का और कारचोक का वर्क हो रहा है, नग भी लगे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स एकदम प्लेन है, कोई वर्क नहीं हो रहा है और सिंपल सी लेस लगी है स्लीव्स पर। सो फाइनली अब आते हैं हम लहंगे की तरफ जो लाइट पिंक कलर का है, बेबी पिंक कलर का ये मेरा लहंगा है जो मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मुझे लाइट कलर के ही कपड़े पसंद हैं, और फिर ये तो बेबी पिंक है तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आ गया था। हालांकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो भी मेरे को पसंद आई थी। ये लेस लगवाकर जो है टॉप को बड़ा किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी छोटी टॉप पहनना पसंद नहीं करते। पीछे भी आप देख सकते हैं कितना हैवी वर्क हो रहा है, हालांकि वर्क जो था लाइट वेट था बट हैवी है, एम्ब्रॉयडरी इसकी ज़्यादा थी
और ये आप लेस देख सकते हैं दुपट्टे की, जो बहुत ही खूबसूरत है, लुक बहुत प्यारा आया था। मैं आपको लास्ट में अपना लुक दिखाऊंगी। नेट का इसका दुपट्टा था और काफ़ी बड़ा था, बहुत ही लेंथी इसका दुपट्टा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फाइनली अब मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लहंगा है मेरा, मेरे को तो बहुत पसंद आया था और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा लहंगा आप लोगों को कैसा लगा। चलें अब आते हैं मेकअप की तरफ, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलेक्शन था, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा पहले मेकअप नहीं था तो मेरे को एक तरह से मज़ा आ गया था मेकअप देखकर। ये है हाइलाइटर, जो काफ़ी सारे शेड्स हैं इसके, एंड ये है वाटरप्रूफ बेस प्राइमर और ये ऑयल फ्री है। ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र एंड ये है बेबी फेस पाउडर, जिसमें टू शेड्स हैं, एक लाइट है एक थोड़ा डार्क है। साथ में स्पंज दिया गया है जो बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी इजीली यूज़ किया जा सकता है इसको। ये है बजाज आलमंड ड्रॉप ऑयल एंड नेल पेंट, जो मैंने इंगेजमेंट पर ही यूज़ की, उसके बाद अभी तक यूज़ नहीं की। एंड ये है हुदा ब्यूटी का नेल पॉलिश रिमूवर, जो मेरे को बहुत पसंद आया था क्योंकि इससे बहुत ही ईजिली नेल्स क्लीन हो गए थे, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है। एंड ये हेयर बैंड्स हैं जो मैंने कुछ यूज़ कर लिए हैं, कुछ बचे हैं इसमें। और ये लाइट शेड में लिप ग्लॉस है, जिसको लगाने के बाद आपको नहीं लगता कि आपने कुछ यूज़ भी किया है और लिप्स एकदम पिंक एंड स्मूथ हो जाते हैं। एंड ये है नाइसिल का जर्म एक्सपर्ट पाउडर, जिसको देखते हैं कब यूज़ करना पड़ सकता है। और ये है वाइट टोन का सॉफ्ट एंड स्मूथ फेस क्रीम। और ये है कमरबंद, जो इंगेजमेंट में आना कंपलसरी होता है। देखते हैं इसको भी कब यूज़ किया जा सकता है, अभी तो रखा ही है। खैर ये मेकअप ब्रशेस हैं जिनको मैंने यूज़ कर लिया है, इसलिए इसका जो बाहर का बॉक्स था वो मैं फेंक चुकी हूँ। काफ़ी अच्छे ब्रशेस हैं ये, सॉफ्ट है एकदम। और ये कुछ पिंस, सेफ्टी पिंस हैं, हेयर पिंस हैं, जिनको मैंने इंगेजमेंट पर यूज़ किया था, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जो होना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और काफ़ी यूज़फुल होती हैं, ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। ये है मेलियो का आईलाइनर, जो वाटरप्रूफ है और इसका टच एकदम स्मूथ है, बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, आपको लाइन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाटरप्रूफ मेलियो का ही मस्कारा है और इसका वर्क भी बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम डार्क ब्लैक कलर है ये। और ये है 96 मैट लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड बहुत अच्छा है, इंगेजमेंट लुक को और ज़्यादा बेहतर बना देता है। ये कॉम है और ये मेलियो का ही बेस प्राइमर है, इसका वर्क भी अच्छा है। तो मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे बहुत ही अच्छे थे, सभी एकदम ब्रांडेड थे। और ये ग्लिटर है, जो मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि बहुत ही हैवी मेकअप करना होता है तभी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे मेकअप में पहले नहीं थे। और ये है पिंक कलर का हैंकी एंड ये 25 शेड्स आई शेडोज पैलेट है, इसमें आपको सारे ही शेड्स मिल जाएंगे, तो ये भी अब मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये परफ्यूम है, डार्क ब्राउन कलर का एड्स का लिप लाइनर है एंड लैक्मे का आइकॉनिक काजल है। ये है ट्रांसपेरेंट नेल शाइनर और आप इससे अपने नेल शाइन कर सकते हैं। एंड ये है मांगटी का, नगों का वर्क हो रहा है इस पर, काफ़ी अच्छा था ये भी। और ये है क्रीमी कंसीलर, ये देखें गाइस ये कंसीलर है। एंड ये है सेवन सीज का मेकअप फिक्सर। तो अब आते हैं हम ब्यूटी स्पंज की तरफ, जो यूज़ किया हुआ है मेरा। ये है छोटू सा क्लेचर, जो पफ बनाने के काम आ सकता है। एंड
ये हैं जूड़ा बनाने के लिए डिज़ाइनर पिंस, वाइट कलर में इसके मोती हैं। तो सारा आप एक बार मेरा मेकअप देख सकते हैं, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हर एक चीज़ है इसमें जो आपके लुक को एकदम ब्यूटीफुल बना देगी। फाइनली आप मेरा एंगेजमेंट लुक देख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा एंगेजमेंट का सारा सामान कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग मैं शादी का अपलोड करने वाली हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपना शादी वाला ब्लॉग अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।